नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं हूं आपके साथ अनन्या जैन। आज आपको एक महिला की कहानी बताएंगे जो समाज की बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और हिम्मत है। 14 ऑपरेशन हुए, 1 साल बेड पर रही, इस बीच शादी भी टूट गई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। पिता ने हौसला दिया और कहा कुछ करके दिखाओ। बस यहीं से शुरू हुई महिला के IAS बनने की कहानी। बेड पर ही तैयारी की, पहले प्रयास में प्री में अटक गई, दूसरे में प्री क्लियर हो गया, लेकिन और मेहनत चाहिए थी। तीसरी बार में इतनी मेहनत की कि सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लिया। ये कहानी है हरियाणा के करनाल जिले के गांव दुपेड़ी की बेटी प्रीति बेनीवाल की, जिन्होंने UPSC की परीक्षा पास करके ये दिखा दिया कि जब मन में कुछ करने का जज्बा हो तो किसी भी चुनौती को पार करते हुए लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। प्रीति बताती है कि बचपन से ही उनका सपना सिविल सर्विस में जाने का था, लेकिन ऐसे हालातों में सपना पूरा होगा ये सोचना तो दूर ख्याल तक नहीं था। 2013 में MTech करने के बाद ग्रामीण बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। 2013 से लेकर 2016 तक बहादुरगढ़ में नौकरी की। इसके बाद 2016 में FCI में असिस्टेंट जनरल 2 के पद पर चयन हुआ। 2016 से लेकर जनवरी 2021 करनाल में FCI में नौकरी की। जनवरी 2021 में उसका चयन विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन अफसर के पद पर हुआ। फिलहाल वह दिल्ली विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रही है। फरवरी 2016 में मतलौडा ब्लॉक के एक गांव में शादी हो गई थी। इसके बाद दिसंबर 2016 में FCI की डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए गाजियाबाद में एग्जाम देने के लिए जा रही थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक पैर फिसलने से ट्रेन के आगे आ गई। ट्रेन के 3 कोच शरीर के ऊपर से गुजर गए, बाईपास सर्जरी हुई और अन्य 14 ऑपरेशन हुए। प्रीति बेड पर आ गई तो चलने फिरने के योग्य नहीं रही। ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया। जब ससुराल ने छोड़ दिया तो ठान लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपना IAS बनने का सपना पूरा करना है। करीब 1 साल तक वह बेड रेस्ट पर रही। नौकरी के दौरान UPSC की तैयारी का समय नहीं मिल पाया था। बेड रेस्ट के दौरान UPSC की तैयारी जी जान से की। पहली बार परीक्षा दी तो निराशा हाथ लगी, दूसरी बार में केवल प्री क्लियर हो पाया। 2020 की परीक्षा दी तो UPSC क्लियर हो गया। प्रीति ने बताया कि उन्होंने पहली से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा पास के ही गांव के स्कूल से प्राप्त की। पिता सुरेश थर्मल में JE1 के पोस्ट पर थे। 6ठी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा थर्मल के राजकीय स्कूल से प्राप्त की, जबकि 12वीं की नॉन मेडिकल की शिक्षा मतलौडा के इंजीनियर स्कूल से ली। इसके बाद 2007 से लेकर 2011 तक NC कॉलेज इसराना से इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से BTech किया। 2011 से लेकर 2013 तक SGI कॉलेज समालखा से MTech की और इसके बाद ग्रामीण बैंक में नौकरी लग गई। प्रीति बेनीवाल ने यह भी बताया कि उनके लिए पिता सुरेश कुमार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माँ बबीता इंस्पिरेशन रहे हैं। भाई पंकज ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया। प्रीति ने बताते हुए कहा कि वह गाजियाबाद में प्रमोशन का एग्जाम देने के लिए गई थी, उनके साथ उनके पिता थे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर उनके साथ हादसा हो गया। इस दौरान भी पिता साथ थे, लेकिन प्रीति की हालत देखकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, खुद के साथ प्रीति को भी संभाला। जब इलाज चला और होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। अस्पताल में भी पिता के हौसले ने प्रीति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं की बदौलत वे IAS बन पाई हैं। भाई पंकज बतौर पटवारी पंचकुला में कार्यरत है और भाभी प्राइवेट लेक्चरर है। तो प्रीति के इस जज्बे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। I'm not afraid to die.
एलपीजी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।